Hello everyone, I'm here with the sixth session of vocabulary. हम vocabulary के छठे session को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं और बहुत ही शानदार पांच word लिए गए हैं. आइए बिना देर किए हम चलते हैं point पर. पहला word है majestic. Majestic means राजसी. राजसी means कह सकते हैं कि royal. राजसी यह एक adjective है, इसका मतलब शानदार भी होता है और भव्य भी होता है, विशालकाय, भव्य, शानदार. पहला किंगली, राजसी. दूसरा क्वीनली, ये भी राजसी में ही आता है, मेल फीमेल. किंगली, क्वीनली. अगला है स्टेटली, ये भी होता है राजसी, स्टेटली. स्टेट, एक स्टेट से मतलब है. पहले स्टेट को राजा से प्रोनाउंस करते थे. रॉयल, रॉयल मीन्स राजसी. नेक्स्ट है ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स शानदार या राजसी. नोबल, नोबल भी, नोबल लोग होते थे, आदर्श, यानी नोबल भी राजसी में ही आता है, ये किंगली में आता है. नेक्स्ट इज इम्पोजिंग. राजा जब कोई आदेश देता था तो वो जनता के ऊपर एक तरह से इम्पोज होता था, थोपा जाना, इम्पोजिंग भी किंगली ही होता है. इम्प्रेसिव, जो बहुत अधिक इम्प्रेसिव है, प्रभावकारी है, वो किंगली है, इम्प्रेसिव. स्प्लेंडिड, शानदार. डिग्निफाइड, जिसकी डिग्निटी ज्यादा हो, डिग्निफाइड, ये भी आता है रॉयल में. नेक्स्ट इज माइटी. माइटी मीन्स शक्तिशाली या बहुत पावरफुल, वो राजा ही हो सकता है, मीन्स वो भी रॉयल या किंगली या क्वीनली में काउंट किया जाएगा. नेक्स्ट इज सबलाइम. सबलाइम भी एक तरह से मोस्ट पावरफुल या माइटी में आता है. नेक्स्ट इज हाई, सबसे ऊंचा, ये भी गिना जाता है रॉयल में या शक्तिशाली में. इलुस्ट्रियस, जो बहुत अधिक अधिक जिसमें चमक हो, बहुत अधिक शाइनिंग हो, इलुस्ट्रियस, उसे भी हम कहते हैं कि वो भी राजसी होता है. एग्जाल्टेड, बहुत अच्छा वर्ड है. एग्जाल्टेड मीन्स जिसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर सामने रखा गया हो. एंड नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट, मुख्य. तो इस तरह से हमको मिला मजेस्टिक के वर्ड मिले, किंगली, क्वीनली, स्टेटली, रॉयल, ग्रैंड, नोबल, इम्पोजिंग, इम्प्रेसिव, स्प्लेंडिड, डिग्निफाइड, माइटी, सबलाइम, हाई, इलुस्ट्रियस, एग्जाल्टेड एंड प्रोमिनेंट. शानदार, ये 10 या 12 वर्ड मिल गए आपको. नेक्स्ट इज ग्रैंड्योर. कोई चीज ग्रैंड्योर कब होता है? जब वो बहुत विशाल हो या फिर बहुत उसमें शान हो, वैभव हो, गौरव हो. ये पॉजिटिव वर्ड है, देखते हैं. ग्रेटनेस, महानता. यह एक नाउन है, देख ले. ग्रेटनेस, महानता. मैग्निफिसेंस, जो सबसे शानदार हो. लॉफ्टीनेस, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत दिखने वाला हो, वही महान होता है. डिग्निटी, जिसकी पहचान हो. इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, जो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो, जिसको लोग महत्व देते हो. नेक्स्ट इज मजेस्टिक. देखिए ऊपर से ही वर्ड लिया गया है, मजेस्टिक, राजसी. जैसे राजा हुआ, तो राजा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पॉम्प, पॉम्प एंड पावर. पॉम्प मीन्स जिसके पास बहुत अधिक दिखावा हो, बहुत अधिक शक्ति हो, जिसको जिसका प्रदर्शन कर सके. एंड नेक्स्ट इज स्प्लेंडियोर. स्प्लेंडियोर भी आता है उसी में, जिसे हम कहते हैं ग्रैंडियोर. नेक्स्ट इज सबलिमिटी. सबलिमिटी भी महानता में आता है या विशालता में, जिसमें बहुत अधिक डेप्थ हो. नेक्स्ट इज स्टेट, जो हमने ऊपर देखा था. एंड स्टेटलीनेस. तो इस तरह से हमको ग्रैंडियोर का मिला, ग्रेटनेस, मैग्निफिसेंस, लॉफ्टीनेस, डिग्निटी, इंपॉर्टेंस, मजेस्टिक, पॉम्प, स्प्लेंडियोर, सबलिमिटी, स्टेट एंड स्टेटलीनेस. हम ये सेशन आपके बीच लेकर उपस्थित हैं. हम सोच रहे हैं कि आपका सिनोनिम अगर तैयार हुआ तो एंटोनिम भी तैयार हो जाएगा 100%. ये ढेर सारे एग्जाम, जैसे कि TGT, PGT, आपका NDA या SSC, CGL, ये सारे एग्जाम जो वन डे एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें इंग्लिश आता है, या हम UPSC या UPSC में जो इंग्लिश का पार्ट होता है, उसमें भी आपको
मदद मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड इज सीमी। अच्छा ये नेगेटिव वर्ड है, सीमी मीन्स अरोचक, घृणित या भ्रष्ट, जिसमें आपको रुचि ना हो, जो एक्चुअली में रुचि लेने लायक ना हो, तो इसमें आता है अनप्लीजेंट। सबसे पहला वर्ड है जो प्लीजेंट ना हो, अनप्लीजेंट या डिसएग्रीएबल, जिसको आप एग्री ना करते हो, या सॉर्डिड। सॉर्डिड मीन्स जिसमें रुचि ना हो, और रुचिकर मॉरली लो, नैतिक रूप से जो गिरा हुआ हो, तो उसे भी हम उसी में गिनते हैं। नेक्स्ट इज हीनियस। कहते ना बहुत हीनियस क्राइम हो गया, तो हीनियस जो है ये भी अरोचक होता है, सीमी में आता है। करप्ट, करप्ट मीन्स भ्रष्ट, डार्क, अंधेरा, इसे भी उसी में गिनते हैं। डिग्रेडेड, जिसका ग्रेड लो कर दिया गया हो, डिग्रेडेड, वो भी आता है भ्रष्ट में। रफ, रफ मीन्स जो स्मूथ ना हो, रफ हो, तो रफ को भी हम लोग घृणित में ही गिनते हैं। स्लीजी, स्लीजी भी एक तरह से भ्रष्ट या रफ में गिना जाता है। नेस्टी, जिसमें बहुत ज्यादा बदबू हो, जिसकी महक अच्छी ना हो, यानी घृणित। लो, लो मीन्स जिसकी क्वालिटी लो हो, या फिर डिसरप्ट, वो चीज जिसे आप डिसरप्ट कहते हैं, मीन्स जिसमें जो भ्रष्ट हो, जो अच्छा ना हो। तो हमको एक वर्ड का, सीमी का, ढेर सारे वर्ड मिले, अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल, सॉडिड, मॉरली लो, हीनियस, करप्ट, डार्क, डिग्रेडेड, रफ, स्लीजी, नैस्टी, लो एंड डिसरप्ट। ये जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है डिक्शनरी तैयार करने का, हम लेके चल रहे हैं सिनोनिम से, तो डिक्शनरी एक दिन में तैयार नहीं हो सकता। जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई बड़ा काम एक दिन में नहीं हो सकता, तो डिक्शनरी भी एक दिन में तैयार नहीं हो सकती। और हमें रुकना नहीं है, ये आपके लिए छठा सेशन है। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड इज रिपोज। ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, रिपोज मीन्स आराम करना, ये आपका वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। आराम करना या भरोसा करना, किसी पे भरोसा करना, पहला इसका हुआ रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम करना। स्लीप, सोना। गिव रेस्ट, किसी को आराम देना। ट्रस्ट, किसी पे भरोसा करना। कंफर्ट, आराम। पेसिफाई, किसी को शांत करना, पेसिफाई करना। गिव सपोर्ट, किसी को आप सपोर्ट दे रहे हैं, यानी उसको आराम दे रहे हैं। नेक्स्ट इज आसानी, कोई काम आसान हो जाए तो समझिए कि उसको रेस्ट मिला। काम, काम मीन्स शांत, रिलैक्स, ये भी शांत में आता है। रिक्लाइन, बुझा हुआ, एकदम शांत। नेक्स्ट इज लॉज, ठहरा। प्लेस, टिका हुआ। एंड पुट, रखना। तो इस तरह से हमको रिपोज के मिले, रेस्ट, स्लीप, गिव रेस्ट, ट्रस्ट, कंफर्ट, पेसिफाई, गिव सपोर्ट, ईज, काम, रिलैक्स, रिक्लाइन, लॉज, प्लेस एंड पुट। एंड लास्ट वर्ड इज टर्निस। ये एक वर्ब है, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है, और टर्निस मीन्स किसी चीज को भद्दा करना, खराब करना, दाग पैदा करना। अब देखिए क्या क्या होता है इसका। सबसे पहला डल द लस्टर, किसी चीज में जो लस्टर हो उसको डल कर देना, किसी वस्तु में वो अच्छाई हो और उसको आप खराब कर दें, उसमें कमी ला दें, तो डल द लस्टर पहला हो गया। दूसरा है डिमिनिश, कम करना। अगला है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। ग्रो डल, किसी कोई शाइनी सरफेस है और वो डल हो जाए, तो उसे भी हम टर्निश में ही गिनते हैं, वो टर्निश में ही आएगा। ग्रो डल, डिसकलर, किसी वस्तु का या किसी कपड़े का रंग उड़ जाना, डिसकलर, ये भी टर्निश में आता है। नेक्स्ट इज लूज लस्टर, लस्टर अट्रैक्शन खो देना, उसी में आता है। बिकम सुलीड मीन्स किसी चीज का भद्दा हो जाना। स्टेन, स्टेन मीन्स दाग पड़ जाना। ब्लेमिश, खराब हो जाना। स्मज, स्मज मीन्स अट्रैक्टिव न रह जाना, बात वही हुआ, भद्दा होना या दाग होना। डिफेम होना, किसी चीज की ख्याति कम हो जाए, डिफेम हो जाए, फेम से बना है फेमस, तो डिफेम हो जाए मतलब भद्दा हो जाए। टेंट, टेंट मीन्स दाग लगना। सॉयल, मिट्टी लगना। सुली, खराब होना। एंड बिस्मर्च,
ये भी आता है खराब होने में, दाग लगने में। तो आपको कितने वर्ड मिले? डल द लास्टर, डेमिनिश, डिस्ट्रॉय, ग्रो डल, डिसकलर, लूज लास्टर, बिकम सुलीड, स्टेन, ब्लेमिश, स्मज, डिफेम, टेंट, सॉयल, सुली एंड बिस्मार्च। इस तरह से हम लोगों ने पांच वर्ड की मदद से सिनोनिम के रूप में हमने मोर देन 50 वर्ड्स देखे। आप देख रहे थे RNJ Academy और मैं दिनेश कुमार। आप इसी तरह से चैनल में सपोर्ट बनाए रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।